नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी समदेशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। पिछले कुछ समय से हम आपको कोरोना से जुड़ी हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, हर एक वो बड़ी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। सोचिए एक ऐसा शख्स जो पिछले 5 महीने से कोरोना पॉजिटिव है और नेगेटिव ही नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 महीने से लगातार कोरोना संक्रमित महिला, 5 महीने से 32 बार कोरोना जांच, हर जांच में कोरोना पॉजिटिव आई महिला, लगातार इलाज के बाद भी कोरोना से निजात नहीं। बिस्तर पर बैठी ये महिला राजस्थान के भरतपुर की शारदा देवी है, जो कि पिछले 4 सितंबर से कोरोना से जूझ रही है। पिछले 5 महीने से इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव ही आ रही है। अब आप डॉक्टर से ही सुनिए पूरी बात, आखिर क्या राज है कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। और उसके 10 दिन तक वो रेगुलर कहीं पे भी किसी तरह का उसको साइन सिम्टम नहीं है तो उसको रिकवर्ड मान लिया जाता है। अगर ये वायरस कहीं भी, अगर ये डेड वायरस एलिमेंट्री कैनाल में कहीं अटका हुआ पड़ा है तो ये जब तक रहेगा ना तब तक पॉजिटिव आएगा, चाहे 100 बार जाँच करा लें। तो अब इसमें ये है कि उसको किसी तरह का साइन सिम्टम नहीं है, वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना, और वो हमारी तरफ से रिकवर्ड है। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार कोरोना की जांच करना भी नियमों के खिलाफ है, क्योंकि अब तक महिला का वजन 8 किलो हो चुका है, इसका मतलब महिला ठीक है।